यस एक्चुअली पापा को नई नई चीज़ें सोचती रहती है, तो पापा को एक नया सूझा है कि बकुल की कुंडली में नाग दोष है, काल नाग दोष, तो उसको हटाए के उन्होंने पूजा किया और उसमें एक इच्छाधारी नागिन भी चाहिए और हम सबको ऐसी गलत फहमी है कि जिन्ना इच्छाधारी नागिन है, तो मैं उसको अपने घर पर बुलाती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे आके ना पूजा में शामिल होना पड़ेगा, देन यू हैव टू डांस फॉर अस। तो वो यहाँ पे डांस कर रही है और वी ऑल आर स्कैर्ड क्योंकि पता नहीं कभी ऐसे नागिन का रूप लेके हमको डस रही, वी नेवर नो, सो वी आर स्कैर्ड प्लस हमको दोष भी भगाना है ताकि हमारी लाइफ सब कुछ अच्छा सा हो जाए, वो दोष चला जाए। सो या वैसे दूल्हा जब बनता है इंसान तभी सेहरा पहनता है, लेकिन बकुल ने आज भी सेहरा पहन लिया शायद। देखिए एक्चुअली सेहरा वो लोग शादी के बाद पहनते हैं वापस, इनकी दो या तीन या जितनी बीवियाँ, एक से ज़्यादा बीवी होती है तो ज़रूर पहनते हैं, तो एक्चुअली बकुल के दो बीवी हैं और फिर से वो यू नो जिगना घर पे आई है और जिगना भी उसकी वाइफ है, मैं भी उसकी वाइफ हूँ, सो इज़ लाइक ही हैज़ टू हाइड हिमसेल्फ, तो बस सेहरे का बहाना। जैसे नागिन डांस, तो नागिन डांस लग रहा था लेकिन सारे लगता है टेक्नो और सारे डांस के सारे मसालों ने मिला दिया। यस यस, मतलब मैं तो इतना एंजॉय करी थी, आई मीन अगर मेरे सामने कैमरा नहीं होता मैं बहुत जोर जोर से हंसती, मैं हंस नहीं पा रही थी बिकॉज इट वाज सो फनी एंड वो पॉप और यू नो रॉक एंड यू नो ब्रेक डांस भी मिक्स करके शी इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, आई मीन इट वाज सो फनी एंड वेरी नाइस टू यू नो, सो काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू थैंक यू। ऐसा हुआ है कि एक बाबा जी आए थे हमारे घर पे और वो कुछ मांग रहे थे, तो मेरे को लगा कि वो ढोंगी है, तो मैंने उनको बाय बाय बोल दिया और उन्होंने मेरे को बोला कि तू नागिन है, तू बुरी औरत है, तेरे साथ बुरा होगा, तू ऐसा ऐसा ऐसा, तेरे अंदर नागिन के लक्षण दिखेंगे। तो ये सब बातें बा और बकुल के दिमाग में बैठ गई हैं, दोनों ने माना नहीं पर बैठ गई। अभी बाई चांस क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं नागिन हूँ, जैसे मैंने मिर्ची खाई तो मेरे मुंह में तीखा लगता है, तो वो तीखा करने के लिए मैं ठंडा दूध पीती हूँ, वो ऐसे करके पीते तो वो कहते हैं कि नागिन है नागिन है। फिर एक हमारी बर्तन वाली है, वो अपने पति को रिझाने के लिए ब्लू लेंस डाल के आती है, तो मैं उसको कहती हूँ कि मुझे भी मेरे पति को रिझाना है, तो उन्होंने मुझे ब्लू लेंस दे दिए, देखिए नीली आँखें ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तो मैं हिप्नोटाइज कर रही हूँ बकुल जी को, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इच्छाधारी नागिन हो गई, तो वो बेचारे डर के मुझसे भाग रहे हैं, जो कि बहुत फनी आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे शूट करने में, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन। अजी ये नागिन डांस हो रहा था या नागिन ब्रेक डांस हो रहा था? ये नागिन ब्रेक डांस है क्योंकि अभी ना जिगना थोड़ी वेस्टर्न होती जा रही है और मैं काफ़ी मूवीज देखती हूँ इंग्लिश मूवीज, तो उसमें से जो भी दिखता है वो और मेरे जो देखा है मेरे ज़िंदगी में वो सब कॉम्बाइन करके ये कॉकटेल था, ये एक मेरा प्रदर्शन था। लास्टली श्रुति को कितना मज़ा आया है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, ऊट पटांग रहते थे और अभी ये डांस किया तो और अच्छा लगा, मुझे तो मौका चाहिए होता है, गाना लगा और मैं चालू हो जाती हूँ कुछ भी ऐसा। थैंक यू थैंक यू।